बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही स्पेशल रेसिपी, लच्छा पराठा की। फ्रोज़न करने का तरीका सिखाऊंगी आपको। आप देख रहे हैं कुकिंग चैनल होम फ्रेश फूड। तो चलिए ये बनाना शुरू करते हैं। लच्छे पराठे के लिए जो मैंने चीज़ें ली हैं, यहाँ पर लिया है 1 किलो आटा लिया है मैंने, फाइन सफ़ेद आटा। यहाँ पर 1 कप लिया है मैंने मैदे का। आधा टेबल स्पून नमक का डाल देंगे, 1 टेबल स्पून चीनी का डाल देंगे। चीनी इसको कलर देने के लिए पराठे को, फिर हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं। मैदा डाल देंगे सारा। घी लेंगे 3 टेबल स्पून तकरीबन। ऑयल नहीं डालना आपने, घी यूज़ करना है। यहाँ पे मैंने नॉर्मल वाटर लिया है, इसके अंदर 1 कप दूध का डाल दूँगी। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको हम गूंथते जाएंगे आटे को। इसके लच्छे पराठे बहुत मज़ेदार बनते हैं। इतना नरम आटा नहीं आपने रखना, नॉर्मल रखना है, ना ज़्यादा सख्त और ना ही ज़्यादा नरम। यहाँ पे थोड़ी देर के लिए इसको रेस्ट देंगे, उसके बाद दोबारा इसको गूंथेंगे आटे को। हल्का सा घी लगा के तकरीबन 10 मिनट के लिए साइड पे छोड़ देंगे। अब थोड़ा सा इसको गूंथ लेंगे हाथ की मदद से। जब तक आटा हमारा तैयार हो रहा है तब तक हम थोड़ा घी लेंगे, तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून घी के ले लेंगे। घी को मेल्ट करेंगे। घी मेल्ट हो गया, इसके अंदर जाएंगे 2 चम्मच आटा या मैदा, आप कुछ भी डाल सकते हैं। 1/2 टीस्पून इसमें छोटा चम्मच जाएगा चीनी का। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह दोनों चीज़ों को। ये पराठे के अंदर हम लगाएंगे। तो यहाँ पे आटा हमारा बिल्कुल तैयार है, अब इसके पेड़े कर लेंगे। अब हम इसके पेड़े तैयार कर लेंगे। तकरीबन 100 ग्राम का एक पेड़ा तैयार करेंगे। सारे पेड़े तैयार कर लेंगे। यहाँ पे सारे पेड़े मेरे बन चुके हैं, अब इसके लच्छे पराठे हम तैयार करेंगे। हल्का सा घी लगा लेंगे पेड़े को या ऑयल लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने बेल लिया रोटी, सारे इसी तरह बेल लेंगे। यहाँ पे सारे मैंने बेल लिए हैं, अब इसका पराठा तैयार करेंगे। अच्छी तरह इसको प्रेस करेंगे। यहाँ पे जो मैंने घी, चीनी और मैदा मिक्स किया था, चीनी अच्छी से डिजॉल्व हो चुकी है। अब ये पराठे पे लगाएंगे। इस तरह इसको तेल लगाएंगे, इस तरह से सारे पराठे को कर लेंगे ये इस तरह। यहाँ से पकड़ेंगे ऐसे, ये देखिए इस तरह, ये देखिए। अच्छी तरह इसको बाल दे के इसको हम रखते जाएंगे। सारे पेड़े तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे सारे पराठे मैंने रेडी कर लिए हैं, पेड़े बना लिए हैं पराठों के। अब इसके पराठे बेल के फ्रोज़न करना मैं आपको बताऊंगी इसको। यहाँ पे पेड़े को प्रेस करेंगे, इसके पराठे बेल लेंगे। अब आपको मार्केट से परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, बना के आप इसको फ्रोज़न करके रख सकते हैं 1 से 1.5 माह के लिए। यहाँ पे प्लेट ले लेंगे सीधी, एक प्लास्टिक का शॉपिंग बैग ले लेंगे, पराठा ऊपर रख देंगे। इसी तरह सारे पराठे रख लेंगे,
फिर ऊपर कवर करेंगे शॉपिंग बैग से। इसी तरह स्टेप बाय स्टेप इनको रखते जाएंगे, तो बाद में इसको फ्रोजन कर देंगे हम। अब मैं सारे कर लूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखें सारे मैंने पराठों को रेडी कर लिया। ये थे हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको बहुत पसंद आई होगी। इसको आप तकरीबन एक माह के लिए फ्रीज करके रख सकते हैं, फ्रोजन जब जरूरत पड़े आप निकाल लें इसको और पराठा रेडी करें बच्चों के लिए। और अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें शेयर करें। ये थी हमारी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।